कहीं न कहीं हमें और हमारे लोकतंत्र को शर्मिंदगी पहुंचाती है। ये घटना नहीं घटित हो। हमने अपने दलीय नेताओं से आग्रह किया है कि सभी दलीय नेता अपने माननीय विधायकों को मर्यादित, संयमित और लोकतंत्र के प्रति, सदन के प्रति पूरी तरह से जिम्मेवार और अपने कर्तव्यनिष्ठ बनाने का ये कार्य करें। नहीं, गलतफहमी में किसी तरह की कोई बातें हो गई है, अगर इनको लगता है कि हमसे कोई हुई है तो हम उसको वापस लेते हैं। और दूसरी बात है कि हम कभी लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं। बीजेपी विधायक को गाली देने वाले राजद के विधायक वीरेंद्र और बीजेपी विधायक दोनों ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष हाथ मिलाया। मौके पर दोनों दलों के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और गले मिले। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी विधायकों और सदस्यों से यही अपील है कि वो सभी सदन की गरिमा बनाए रखें और आगे से ऐसी कोई घटना न हो, इसका ख्याल रखें। देखिए, आज दलीय नेताओं की और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम सभी लोगों ने निर्णय लिया कि बिहार विधानसभा के अंदर हमारे सभी माननीय विधायक, प्रतिपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, सब मिलकर पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ सदन में भागीदारी कर रहे हैं, जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं और ये बिहार के लिए एक अच्छी, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला संदेश देश को जा रहा है। लेकिन कुछ हल्की फल्की घटनाएं कहीं न कहीं हमें और हमारे लोकतंत्र को शर्मिंदगी पहुंचाती है। ये घटना नहीं घटित हो। हमने अपने दलीय नेताओं से आग्रह किया है कि सभी दलीय नेता अपने माननीय विधायकों को मर्यादित, संयमित और लोकतंत्र के प्रति, सदन के प्रति पूरी तरह से जिम्मेवार और अपने कर्तव्यनिष्ठ बनाने का ये कार्य करें। और हमारे वरीय लोगों के बीच में संवादहीनता के कारण किसी तरह की कटुता उत्पन्न होती है तो इन लोगों की हमने आग्रह किया कि सभी दलीय नेता की जिम्मेवारी है कि इसका समाधान करें, क्योंकि ये जनतंत्र की, गणतंत्र की धरती रही है और बिहार से कई संदेश जाता है। आज हम लोगों ने बैठे हैं और इस मामला का जो घटना घटित हो गया, इस संवादहीनता में, गलतफहमी में, कन्फ्यूजन में सब लोगों ने आग्रह किया है इसको खत्म करें और इस तरह की बात दोबारा नहीं हो ये सुनिश्चित करें। ये माहौल नकारात्मक नहीं बने और खास करके जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने आने वाले नए पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दें, वो हम पर गर्व महसूस करे, बिहार की जनता और बिहार पर कोई शर्म महसूस नहीं करे, इसके लिए एक नया पहल शुरू हो। और इसीलिए आज हमारे दोनों दलीय नेता बैठे हैं, दोनों दल के विधायक, वरीय विधायक बैठे हैं। इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस सदन में रहता है, लेकिन बड़ा दुखद घटना थी। उस घटना का समापन हम लोग आग्रह कर करके इन लोगों ने खुद अच्छी पहल की, एक सकारात्मक पहल की। दोनों में दोस्ती हो गई सर? निश्चित दोस्ती ही नहीं, जिम्मेवारी भी दी गई है। दोनों दलीय नेता ने जिम्मेवारी दी है और दोनों बेहतर ढंग से सदन चलाने में अच्छी भूमिका निभावे और खास करके जो मर्यादा तोड़ते हैं उनको इससे सबक लेने की जरूरत है और आगे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो, ये हम लोगों को ध्यान रखना। नहीं, गलतफहमी में किसी तरह की कोई बातें हो गई है, अगर इनको लगता है कि हमसे कोई हुई है तो हम उसको वापस लेते हैं। और दूसरी बात है कि हम कभी लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं, हम हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। कल आप लोगों ने प्रयास किया था, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आज संयोग है कि आज अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल माननीय तेजस्वी यादव जी के सामने ये सब बातें हो रही है। हम लोग दो नहीं है, एक है और सदन के सदस्य हैं। हम चाहते हैं सदन की गरिमा हमेशा बनी।